फ्रेंड, देवरिया हत्याकांड में पांच वो बड़े सवाल जिनके उत्तर लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। पहले नंबर पे जो प्रेमचंद यादव हैं, उनकी बेटी ने जो कहा है कि ये जो लड़का बच गया है, जो बाहर कथा कहने गया था, उसी ने मेरे पिताजी को पहले मारा और उसके बाद में वो बाहर चला गया, घर वालों ने उसको भगा दिया। तो जो प्रेमचंद यादव की बेटी हैं, वो तो उसके लिए भी फांसी की मांग कर रही हैं। तो ये भी एक जांच का बिंदु होगा, क्या वो सही कह रही हैं, क्या ये लड़का वास्तव में जब प्रेमचंद यादव की हत्या हुई तब ये वहीं घर पे था, इसके बाद में कहीं गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रेमचंद यादव थे, इन्होंने जो सत्यप्रकाश दुबे की जो जमीन थी, उनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे की, वो अपने नाम करवाई थी 2014 में, और जो ज्ञान प्रकाश दुबे है, जिसको कि साधु दुबे भी कहा जाता है कि वो अपने घर से नाराज रहता था क्योंकि जो सत्य प्रकाश दुबे हैं उनकी पत्नी उसको खाना नहीं देती थी। तो इनका कहना है, इनके घर वालों का, प्रेमचंद यादव के घर वालों का कहना है कि हम लोग उनको खाना देते थे, उनको चाचा कहते थे, तो उन्होंने अपनी जमीन हमको बेच दी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ज्ञान प्रकाश दुबे, जैसा कि वहां के लोग बता रहे हैं, जिसको साधु दुबे भी कहते हैं, वो गुजरात में एक फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, तो अगर खाना खिलाया था, उसको आसरा दिया था, तो उसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? और अगर पैसों से जमीन ली थी, क्योंकि वो करीब 2.5 करोड़ की जमीन बताई जा रही है, तो 2014 में नहीं ज्यादा तो 1 करोड़ रुपए की तो होगी, या 50 लाख की भी होगी, तो उसको नौकरी करने की क्या आवश्यकता है? तो ऐसे में क्या सत्य प्रकाश दुबे सच कह रहे थे, क्योंकि वो तभी से मुकदमा डाले थे कि इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे भाई से जमीन पहले कब्जा की, उससे बैनामा करवाया तहसील में जाकर के, और मुझको भी 10 दिन बंधक रखा। ये सत्यप्रकाश दुबे की बेटी भी यही बात कह रही है, इसी का मुकदमा चल रहा था। दूसरी बात यह है कि उनका मुकदमा जो चल रहा था, वो SDM के ऊपर भी था और संबंधित थानेदार के ऊपर भी था, और प्रेमचंद यादव के ऊपर भी मुकदमा कायम था। तो लगातार बंदा संघर्ष कर रहा था, क्योंकि ये सपा नेता हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, ऐसे में उनका कितना रसूख होगा। अब देखिए आप, योगी की सरकार है और इतने सख्त सरकार है, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी सत्य प्रकाश दुबे की, ऐसा उनके घर वालों का कहना है। जबकि जो प्रेमचंद यादव हैं, उनकी बेटियां कह रही हैं कि मेरे पिताजी ने वो जमीन उनसे ली थी और ये लोग उस पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। तो इसमें भी ये भी जांच का बिंदु होगा कि साधु दुबे जो है वो गुजरात में फैक्ट्री में मजदूरी क्यों कर रहा। अगर खेती ही लिख दी थी उसने, तो उसको प्रेमचंद यादव के घर में रहना चाहिए था, क्योंकि जब वो गया था वहां खाना खाने, 2 वक्त की रोटी खाने, तो उसको रोटी कमाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? 10 बीघा खेती भी अगर बेची है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, फिर मजदूरी नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसे ही दी है तब भी उसको मजदूरी नहीं करनी चाहिए, फिर तो प्रेमचंद यादव का पूरा जो है राइट बनता था, पूरा उनका कर्तव्य था कि उसको आजीवन रोटी देते। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो बयानबाजी वहां के गांव वाले कह रहे हैं कि इन्होंने लगभग, इनके ऊपर, प्रेमचंद यादव के ऊपर 20 केस चल रहे थे ऐसे ही कब्जेदारी के। चौथी जो बड़ी बात है, बताया जाता है प्रेमचंद यादव और इनका एक ग्रुप है, इन लोगों ने एक चौकी पे कब्जा कर लिया था, तो इसका मतलब है उसमें इनकी काफी किरकिरी भी हुई थी, बाद में वो कब्जा इनको छोड़ना पड़ा था। तो कितना दबंग होंगे जिन्होंने, जो ऐसे लोग जो चौकी पर भी कब्जा कर ले, मैंने खबर पढ़ी तो सन्न रह गया कि, और उनकी कोठी जो है, पांचवा बड़ा सवाल है कि कोठी जो है प्रेमचंद यादव की, वो बनी हुई है ग्राम समाज की जमीन पे, स्कूल की जमीन पे। तो प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है, क्या सरकार उनकी कोठी गिराएगी? अगर गिराएगी तब तो ये बात तो मेरी नजर में तो सही नहीं होगी, क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 3 बेटियां हैं और एक पत्नी है, घर गिरा देंगे तो क्या होगा? दोनों पक्ष पीड़ित हैं, इसमें बहुत बड़े सवाल हैं। पहली बात, साधु दुबे सामने आए, वो बताए, सरकार के कारिंदे भी, जो कर्मचारी अफसर हैं, वो भी सोच में होंगे कि करें तो क्या करें इस केस में, और नए नए उसमें जो है मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है उनकी बेटियां सही कह रही हैं कि वो लड़का सही कह रहा है, समय के साथ में सब क्लियर होगा। फिलहाल ये प्रश्न, 5 प्रश्न मुंह बाए खड़े हैं, जिनका उत्तर लोग ढूंढना चाह रहे हैं। थैंक यू।